नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट डेली में। दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 से दोस्तों यहाँ पे जिसका सबको इंतजार था बहुत बड़ी, यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद का जो कि टेक्नीशियन और एएलपी का यहाँ पे पैनल आ चुका है दोस्तों। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हर अपडेट की जानकारी के लिए। तो आइए दोस्तों यहाँ पर अब वीडियो करते हैं शुरू। देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त मैं आरआरबी इलाहाबाद के ऑफिशियल साइट पर हूँ और यहाँ पर आज ही के डेट में चार नोटिफिकेशन आई है दोस्तों। पहला नोटिफिकेशन है फाइनल प्रोविजनल पैनल का, दूसरा है कट ऑफ कम्युनिटी वाइज, तीसरा है दोस्तों कट ऑफ फॉर एक्स सर्विसमैन, और तीसरा है दोस्तों चौथा है दोस्तों कट ऑफ फॉर पीडब्ल्यूडी जो कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का है दोस्तों। तो आइए हम लोग सबसे पहले पैनल देखेंगे दोस्तों, किन किन लोगों का यहाँ पर कितने लोगों का प्रोविजनल पार्ट पैनल आया दोस्तों जो एएलपी और टेक्नीशियन का है। तो देख सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मैं डाउनलोड कर लिया हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलाहाबाद, और यहाँ पे देख लीजिए नोटिस है फाइनल प्रोविजनल पैनल फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन का है जो कि, और पहला है दोस्तों यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन फर्स्ट स्टेज जो कि 9 से 31 तक हुआ था, फिर सेकेंड स्टेज 21 से 23 हुआ था, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन मेडिकल हुआ था दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग अर्लियर प्रोविजनल पार्ट पैनल वन जिसमें प्रोविजनल पार्ट पैनल वन आया था दोस्तों, जिसमें कि 963 लोगों का यहाँ पे हुआ था, फिर टू हुआ था जिसमें 380 लोगों का हुआ था, और 134 और 136 का 14 तारीख को आया था जो कि पार्ट प्रोविजनल पार्ट पैनल थ्री था ऑफ 1881 कैंडिडेट का फॉर द पोस्ट ऑफ 1234 एंड 136 और 2012, इतने लोगों का दोस्तों यहाँ पे प्रोविजनल पैनल आ चुका था दोस्तों। और यहाँ पे देख के थर्ड नोटिस में है दोस्तों, प्रोविजनल पार्ट पैनल थर्ड फॉर पब्लिश्ड ऑन 2012 हेयर बाय विदड्रॉल, मतलब उसको वापस ले लिया गया, रोल नंबर शॉर्ट लिस्टिंग प्रोविजनल पार्ट इंक्लूड और जो कि इसमें इंक्लूड कर लिया गया दोस्तों। और फोर्थ नंबर में दोस्तों कि कैंडिडेट ऑफ ऑल कैंडिडेटर ऑफ ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग दिस फाइनल पैनल प्योरली प्रोविजनल और कैंसिल हो सकता है अगर कुछ मिस्टेक पाया जाता है इसमें। और वही फिफ्थ में नोटिस है दोस्तों, द कैंडिडेट फॉलोइंग हु हैज़ बीन डिक्लेयर मेडिकली टेम्पोरी अनफिट हैज़ बीन विथहेल्ड एंड विल बी कंसिडर आफ्टर रिसीट ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब जो फिफ्थ में है दोस्तों इसमें है कि जो लिस्ट कैंडिडेट का दिया गया है उसको विथहेल्ड में रखा गया है फाइनल जब तक कि उसका मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ सकता। तो इसमें देख सकते हैं सीरियल नंबर है, डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर है, फिर रोल नंबर है, कैंडिडेट का नेम है। तो आप देख सकते हैं टोटल 19 लोगों का यहाँ पे है जिनका विथहेल्ड में रखा गया है। और फिर सिक्स नोटिस है दोस्तों, द कैंडिडेट ऑफ द विथहेल्ड एंड विल बी कंसिडर ओनली आफ्टर गेटिंग क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम देम, द कैंडिडेट शैल सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ द नोटिस ऑन आरआरबी इलाहाबाद वेबसाइट। और देखो दोस्तों यहाँ पे रीज़न बहुत लोगों का यहाँ पे विथहेल्ड रखा गया है, उसका रीज़न क्यों रखा गया है ये बताया गया है जो कि आप देख सकते हैं सिक्स नंबर नोटिस में पढ़ रहा हूँ। सीरियल नंबर 1 डीवी है, फिर डीवी सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है और रीज़न किस कारण उनको विथहेल्ड रखा गया। तो पहला कैंडिडेट का देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल रीज़न है, फिर आईटीआई नॉट सबमिट सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, 10th एंड 12th सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, कॉन्फिडेंशियल रीजन, डिप्लोमा फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम अप्रूव फ्रॉम रिक्वायर्ड अथॉरिटी, फिर डेट ऑफ बीटेक इज नॉट क्लियर फ्रॉम मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई बीटेक 31 के बाद पास किए हैं जो इनके कारण इनका है, कोई सबमिट ही नहीं किए हैं, किसी का कॉन्फिडेंशियल रीजन है। तो ऐसे टोटल 138 कैंडिडेट हैं देख सकते हैं, टोटल 138 कैंडिडेट है, किसी का ओबीसी एनसीएल कंप्लीट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, तो इनका भी डिटेल में रखा हुआ, अगर ये अपना क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं तो इनका हो जाएगा। फिर सेवन्थ में है दोस्तों, यही है कि पूरा केयर रखा गया है, कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। फिर रोल नंबर है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, नॉट मेरिट लिस्ट। तो आप देख सकते हैं अब ये दोस्तों यहाँ पे से जो टेंथ में है उनका रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। देखिए पोस्ट 1 में क्या है, एनसीआर असिस्टेंट लोको पायलट का है जो कि देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट है। काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे जितना देख सकते हैं जो कि 1000 मतलब 1450 मतलब 1450 कैंडिडेट का यहाँ पे एनसीआर में यहाँ पे पोस्टिंग है, 1 जो कि पोस्ट 1 है। फिर विथहेल्ड का दोस्तों 22 ओनली विथहेल्ड है। फिर पोस्ट 2 में देखिए दोस्तों,
बस टू में 862 का, फिर विथेल्ड है 18 का, फिर पोस्ट टू असिस्टेंट लोको पायलट एनआर का। दोस्तों यहाँ पे बहुत, यहाँ पे अच्छी बहुत लोगों का यहाँ पे पैनल हो चुका है, जिनका हो गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 890 लोगों का दोस्तों यहाँ पोस्ट, फिर विथेल्ड का है दोस्तों यहाँ पे 22, फिर पोस्ट 3 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3, यहाँ टेक्नीशियन का है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे नॉट सुटेबल हैं। फिर पोस्ट 14 है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज का है दोस्तों, सेफ ओनली। फिर यहाँ पे देखिए पोस्ट 25 टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वेगन 40 ओनली। फिर सभी में विथेल्ड, मतलब विथेल्ड रखा गया दोस्तों, दो कैंडिडेट यहाँ पे जिनका जिनका विथेल्ड वो उनके साथ में ही दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत लोगों का यहाँ पे पैनल में नाम दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। फिर ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर, अगर जिनका भी हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इलेक्ट्रीशियन बहुत लोगों का भी हुआ है, तो देख सकते हैं ये 43 पेज का यहाँ पे देख सकते हैं 8 तारीख के डेट में यहाँ पे हुआ था, 9 तारीख को पब्लिश हुआ है। तो आप लोग का ज्वाइनिंग जिनका हुआ बहुत बहुत बधाई। तो ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।